ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि किस अवस्था में शनि खुद प्रबलतम मार्केश बन जाता है। ज्योतिष के कुछ नियम बेहद जटिल तरीके के मसलों पर सटीकता से प्रकाश डालते हैं। इनमें से एक नियम है शनि का मार्कत्व कब और किस स्थिति में अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। आज हम शनि के मार्कत्व के संदर्भ में उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। ध्यान रहे कि तुला और वृष लग्नों को छोड़कर अन्य 10 लग्नों में शनि के किसी न किसी रूप में मार्केश बनने की संभावना बनी रहती है, किंतु यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि द्वितीय द्वादश सप्तम भावों का स्वामी होकर किसी भी मारक स्थान पर विराजमान भी हो जाए तो ऐसी अवस्था में शनि के मार्केशत्व में अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि शनि का किसी भी अन्य मार्केश बनने वाले ग्रह से सीधा संपर्क हो जाए तो ऐसे मामले में शनि स्वयं ही मार्केश बन जाता है। कर्क लग्न की एक कुंडली के उदाहरण से समझते हैं। शनि के इस अद्भुत स्वभाव को कर्क लग्न में लग्नेश चंद्रमा नौवें भाव में राहु के साथ, द्वितीयेश सूर्य चतुर्थ में, तृतीयेश और द्वादेश बुध चतुर्थ में, चतुर्थेश और एकादेश शुक्र चतुर्थ में, पंचमेश और दशमेश मंगल भी चतुर्थ में, षष्ठेश और नवमेश नवमेश गुरु पंचम भाव में, सप्तमेश और एकादशेश शनि द्वितीय भाव में तथा केतु तीसरे भाव में बैठा है। ग्रहों की ऐसी स्थिति के मामले में वास्तविक मार्केश का चयन जो मैंने आपको बताया है वो सिद्धांत के अनुसार करना बिल्कुल सही परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। यह ध्यान दीजिए कि सूर्य द्वितीयेश होने के बावजूद मार्केश नहीं बनेगा क्योंकि उसे मार्केशत्व नहीं प्राप्त है। सप्तमेश शनि जो कि स्वयं अष्टमेश भी है वह दूसरे मारक स्थान द्वितीय भाव में जाकर बैठ गया है। ऐसी अवस्था में वह खुद प्रबलतम मार्केशत्व की क्षमता ग्रहण कर लेता है। अब जब किसी भी ग्रह की दशा चलेगी और वह शनि से देखा जाता हो तो उस ग्रह पर शनि अपना मारक प्रभाव आरोपित कर देगा। इसके अलावा एक दूसरी स्थिति की कल्पना करें। मान लिया जाए कि किसी अन्य जातक की कुंडली में शुक्र सप्तेश होकर मारक है तथा उसके साथ ही शनि सातवें भाव में बैठा हो। जब शुक्र मार्केश की दशा चलेगी तो यदि उस व्यक्ति का आयुखंड समाप्त हो ऐसी दशा में शुक्र उसके प्राण नहीं लेगा, किंतु जब शनि की अंतर्दशा चलेगी तो मार्केश शुक्र से संबंध रखने के कारण स्वयं ही जातक के लिए प्राण घातक बन जाएगा। तो तथ्य स्पष्ट है कि शनि मारक ग्रहों से संबंधित होकर स्वयं मार्केश बन जाता है और किसी भी अन्य मार्केश की दशा में उस व्यक्ति को खतरा नहीं होता, जबकि शनि की दशा के लिए उसके लिए वास्तविक मार्केश खुद शनि बन जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।